गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने सेंट्रलाइज्ड स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल में एक्सचेंज में ही कंट्रोल एवं कंट्रोल फंक्शन एक से ज़्यादा प्रोसेसर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। एक्सचेंज के जो भी कंट्रोल फंक्शन है वो एक से ज़्यादा प्रोसेसर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। सेंट्रलाइज एसपीसी में एक्सचेंज के सारे फंक्शन एक ही प्रोसेसर के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी में कंट्रोल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी में कंट्रोल फंक्शंस को एक से ज़्यादा प्रोसेसर के बीच शेयर किया जाता है। सेंट्रलाइज एसपीसी के कंपैरिजन में डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी बेटर अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही लो कॉस्ट माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। इसमें एक्सचेंज कंट्रोल फंक्शंस को दो तरीके से डिकम्पोज किया जाता है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। बेटर अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसके अंतर्गत एक्सचेंज को कई ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है तथा हर एक ब्लॉक को प्रोसेसर असाइन किया जाता है जो कि उस ब्लॉक से रिलेटेड कंट्रोल फंक्शन को परफॉर्म करता है। इस प्रकार टोटल कंट्रोल सिस्टम को कई कंट्रोल यूनिट को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी जो है वो सभी कंट्रोल फंक्शंस जो है वो उस ब्लॉक से रिलेटेड प्रोसेसर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। प्रत्येक ब्लॉक के साथ प्रोसेसर की डुप्लीकेट कॉपी रखी जाती है जो रेडंडेंसी पर्पज़ के लिए रखी जाती है कि अगर एक प्रोसेसर फेल हो जाता है तो उस ब्लॉक से रिलेटेड कंट्रोल फंक्शन दूसरे प्रोसेसर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। जो रेडंडेंसी पर्पज़ के लिए प्रोसेसर की डुप्लीकेट कॉपी रखी जाती है वो ड्यूल प्रोसेसर ऑपरेटिंग मोड पर काम करते हैं। इस प्रकार नंबर ऑफ प्रोसेसर को ऐड करके एक्सचेंज की कैपेसिटी को एक्सपेंड किया जा सकता है। एक्सचेंज एनवायरनमेंट जो है वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। ब्लॉक्स और उससे रिलेटेड जो कंट्रोल फंक्शन है वो परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे यूनिट वन असाइन फॉर ब्लॉक वन, यूनिट टू फॉर ब्लॉक टू। इस प्रकार से नंबर ऑफ प्रोसेसर जो है वो एक्सचेंज के अलग अलग ब्लॉक के कंट्रोल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए असाइन किए जाते हैं। ये वर्टिकल डिकम्पोजिशन कहलाता है। हॉरिजॉन्टल डिकम्पोजिशन में प्रत्येक प्रोसेसर एक या कुछ एक्सचेंज के कंट्रोल फंक्शन को परफॉर्म करता है। हॉरिजॉन्टल डिकम्पोजिशन के अंतर्गत एक्सचेंज एनवायरनमेंट को लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में डिवाइड किया हुआ है। इवेंट मॉनिटरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर, कॉल प्रोसेसिंग प्रोसेसर, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोसेसर, जो कि असाइन जो है लेवल उससे रिलेटेड वर्क को परफॉर्म करने के लिए काम में लिए जाते हैं। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड
स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल में लेवल ऑफ प्रोसेसिंग यूज़ की जाती है और तीन प्रकार के लेवल यूज़ किए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तीनों लेवल पे अलग अलग कंट्रोल फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। सेंसिंग और सेटिंग का जो काम है वो वायर्ड लॉजिक या माइक्रो प्रोग्राम डिवाइस द्वारा किया जाता है। हार्डवायर कंट्रोल और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, दो प्रकार के कंट्रोल यूज़ किए जाते हैं जिसमें कंपेरिजन बताया गया है। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल है वो फ्लेक्सिबल होता है, हार्डवायर कंट्रोल है वो नॉन फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल से मीनिंग ये है कि इसमें नई सर्विसेज को ऐड करना या सब्सक्राइबर को रिमूव करना प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल है वो हार्डवायर कंट्रोल के कंपेरिजन में स्लोवर होता है, जो कॉल प्रोसेसिंग की स्पीड होती है वो इसमें स्लो होती है। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू हार्डवायर कंट्रोल। हार्डवायर कंट्रोल सिंपल और फिक्स्ड प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल फ्लेक्सिबल प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है। हार्डवायर कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट रहता है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल का इम्प्लीमेंटेशन है वो ईजियर होता है। हार्डवायर कंट्रोल में नई सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना इजी नहीं होता है, जबकि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल में नई सर्विसेज को ऐड करना इजी होता है। हार्डवायर कंट्रोल मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल को मेंटेन करना इजी होता है। वह कंट्रोल यूनिट जो कि लॉजिक एलिमेंट एवं इलेक्ट्रॉनिक को उपयोग करके कलेक्शन ऑफ लॉजिक सर्किट को डिजाइन किया जाता है उसे हार्डवायर कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। हार्डवायर कंट्रोल यूनिट में लॉजिक एलिमेंट और इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग किया जाता है। जनरली माइक्रो प्रोग्रामिंग को लेवल 3 प्रोसेसिंग के लिए प्रिपेयर किया गया है। माइक्रो प्रोग्रामिंग है वो लेवल 3 के लिए असाइन की गई है। डिस्ट्रीब्यूटेड SPC में वर्टिकल डिकम्पोजिशन और हॉरिजेंटल डिकम्पोजिशन दो प्रकार से इनको असाइन किया जाता है। एक्सचेंज एनवायरनमेंट को नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक ब्लॉक को एक प्रोसेसर उस ब्लॉक से रिलेटेड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए असाइन किया जाता है, वो आपके वर्टिकल डिकम्पोजिशन कहलाता है। हॉरिजेंटल डिकम्पोजिशन में प्रत्येक प्रोसेसर एक या एक से ज़्यादा एक्सचेंज के कंट्रोल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड SPC में हॉरिजेंटल डिकम्पोजिशन है, उसके अंदर तीन प्रकार की लेवलिंग प्रोवाइड की गई है। तीन फंक्शंस को लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक प्रोसेसर के द्वारा एक या एक से अधिक एक्सचेंज के कंट्रोल फंक्शंस को परफॉर्म कराया जाता है। साथ ही प्रत्येक चैन की या पूरी जो चैन है रेडिडेंसी पर्पस के लिए प्रत्येक प्रोसेसर की एक डुप्लीकेट कॉपी रखी जाती है। डिफरेंट प्रोसेसर की चैन को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है, इंटायर चैन की डुप्लीकेट कॉपी रखी जाती है। साथ ही ड्यूल प्रोसेसर स्ट्रक्चर को ड्यूल चैन कॉन्फ़िगरेशन पर भी अप्लाई किया जाता है। जैसा कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल में प्रोसेसर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसलिए इन फंक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है। लेवल 3 जो है प्रोसेसर वो स्कैनिंग डिस्ट्रीब्यूशन और मार्किंग फंक्शन को हैंडल करने का काम करता है। लेवल 3 की जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो स्कैनिंग डिस्ट्रीब्यूशन और मार्किंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेवल 3 प्रोसेसिंग के द्वारा स्कैनिंग डिस्ट्रीब्यूशन और मार्किंग फंक्शंस को हैंडल किया जाता है, जो कि ऑपरेशन सिंपल स्पेशलाइज्ड और वेल डिफाइंड होते हैं। सेट और सेंस जो है बाइनरी कंडीशन को सेट या सेंस करने का काम है वो
फ्लिप फ्लॉप या रजिस्टर के द्वारा किया जाता है। कंट्रोल वर्ड को अचीव करने के लिए सेंसिंग या अल्टरिंग बाइनरी कंडीशन को यूज करके कंट्रोल वर्ड को सेंस या अल्टर करने का काम किया जाता है। हार्डवायर और माइक्रो प्रोग्रामिंग है वो आपके लेवल 3 पर प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ ही सेट ऑफ कंट्रोल वर्ड्स को मेमोरी में स्टोर करने का काम करता है, साथ ही इंस्ट्रक्शन को 1x1 रीड करने का भी काम लेवल 3 प्रोसेसिंग में होता है। हॉरिजॉन्टल कंट्रोल में 1 बीट पर एवरी कंट्रोल सिग्नल का काम परफॉर्म होता है, जो कि फ्लेक्सिबल और फास्ट होता है। एक्सपेंसिव इज लार्ज विड्थ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स पे डिपेंड करती है इसकी विड्थ, और नंबर ऑफ सिग्नल्स बढ़ने के साथ साथ ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। वर्टिकल कंट्रोल, प्रत्येक सिग्नल बाइनरी एनकोडेड होता है। टाइम टू लार्ज इज एट ए टाइम ओनली 1 सिग्नल। मिड अप्रोच चूज की जाती है। कंट्रोल वर्ड जो है वो एनकोडेड होता है नंबर ऑफ ग्रुप्स में। प्रोसेसर तथा एसोसिएटेड डिवाइसेस को फिजिकली स्विचिंग नेटवर्क, जंक्शनटर और सिग्नलिंग इक्विपमेंट के क्लोज में रखा जाता है। प्रोसेसिंग ऑपरेशन नेचर में सिंपल, स्पेशलाइज्ड और वेल डिफाइंड होते हैं। इस लेवल पर माइक्रो प्रोग्रामिंग में कंट्रोल फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड बाइनरी कंडीशन को कंट्रोल वर्ड के बिट पैटर्न से एप्रोप्रिएट कंट्रोल सिग्नल्स को एक्टिवेट करके किया जाता है। सेट ऑफ कंट्रोल वर्ड्स को मेमोरी में स्टोर करना व एक के बाद एक को रीड करके कंट्रोल सिग्नल को एक्टिवेट किया जाता है। कंट्रोल जो है वो 2 प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल और वर्टिकल कंट्रोल। हॉरिजॉन्टल कंट्रोल है वो फ्लेक्सिबल व फास्ट होते हैं, मैनी कंट्रोल सिग्नल्स को एक साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। वर्टिकल कंट्रोल में एक समय में एक ही सिग्नल को एक्टिवेट किया जा सकता है। स्टैंडर्ड माइक्रो प्रोसेसर को स्कैनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिजाइन एक्सपेंसिव और स्लो होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड SPC एट लेवल 2 प्रोसेसिंग। लेवल 2 पे जो प्रोसेसिंग का काम है वो कॉल प्रोसेसिंग से रिलेटेड फंक्शंस है वो लेवल 2 पर परफॉर्म किए जाते हैं। कॉल स्विचिंग प्रोसेसर भी कहा जाता है इसको। इसमें इंस्ट्रक्शंस को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जो डेटा को पैक्ड या टाइटली फॉर्म रहती है मेमोरी के लिए, जिससे विदाउट एक्सेस टाइम को इंक्रीज किए डेटा को सेंड किया जा सके। इसमें प्रोसेसर को इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ होता है जो 99.9% अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करे, जो फॉल्ट टॉलरेंस हो और सिक्योरिटी ऑफ ऑपरेशन भी प्रोवाइड करता हो। इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर ऑर्डर जो है वो 100 KB/s रहता है। इनपुट आउटपुट टेक्निक्स है वो 2 प्रकार से प्रोवाइड की जाती है, प्रोग्राम कंट्रोल्ड डेटा ट्रांसफर और दूसरा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। लेवल 2 के प्रोसेसर को स्विचिंग प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये प्रोसेसर जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर की तरह होता है। स्विचिंग प्रोसेसर फंक्शंस के लिए कमर्शियली अवेलेबल स्टैंडर्ड माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। किसी इंस्टेंट के लिए प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में बिना एसेस टाइम इंक्रीज किए डेटा को टाइटली पैक्ड करने के लिए डिजाइन किया जाता है। स्विचिंग एप्लीकेशन में सिंगल बिट और हाफ बाइट का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। टास्क व इवेंट के क्यू मैनेजमेंट के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो कि सर्टेन फंक्शंस के लिए
एडिशनल रन टाइम प्रोवाइड करते हैं। स्विचिंग प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है जिससे 99.9% अवेलेबिलिटी को प्राप्त किया जा सके। तो लेवल टू पर जो फंक्शनिंग है वो आपकी कॉल सेटअप और कॉल प्रोसेसिंग से रिलेटेड है कि कॉल को किस प्रकार से प्रोसेस करना है, इसके लिए डेटा को टाइटली पैकिंग है मेमोरी में वो किया जाता है। दूसरा जो प्रोसेसर है उसका डिजाइनिंग इस प्रकार से होता है कि वो 99.9% अवेलेबिलिटी को प्रोवाइड कर सके। स्विचिंग प्रोसेसर का इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफ़र 100 kbps होता है। इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफ़र के लिए दो मेथड यूज़ किए जाते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल डेटा ट्रांसफ़र और दूसरा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। कंट्रोल इक्विपमेंट की ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी स्विचिंग प्रोसेसर द्वारा लिमिटेड होती है। स्विचिंग प्रोसेसर के लोड को नीचे दिए गए फॉर्मूले के द्वारा फाइंड आउट किया जाता है। किसी भी प्रोसेसर जो है स्विचिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है उसकी लोड हैंडलिंग कैपेसिटी टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एन द्वारा प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर टी जो है वो ऑक्यूपेंसी को शो कर रही है, ए जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड डिपेंड्स अपॉन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन। ए की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड ओवरहेड को रिप्रेजेंट करता है जिसका कॉन्फ़िगरेशन जो है एक्सचेंज का वो और कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। बी यहाँ पर है आपके एवरेज टाइम टू प्रोसेस वन कॉल, एक कॉल को प्रोसेस करने में एवरेज जो टाइम लग रहा है वो बी द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। एन जो है वो नंबर ऑफ कॉल पर यूनिट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ए आपका है जनरली स्कैनिंग वर्ड पर डिपेंड करता है, जैसे कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स लाइंस कितनी है, ट्रंक्स कितने हैं, सर्विस सर्किट कितने हैं एक्सचेंज में, ए की वैल्यू उन पे डिपेंड करती है। बी जो है वो आपका कॉल मिक्सिंग पे डिपेंड करता है, कंप्रोमाइजिंग इनकमिंग आउटगोइंग लोकल और ट्रांजिट कॉल। एक्सचेंज में इनकमिंग आउटगोइंग लोकल और ट्रांजिट कॉल का जो ड्यूरेशन है उस पे डिपेंड करता है आपकी बी की वैल्यू। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर डीटीएमएफ से कितने कनेक्टेड है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर रोटरी डायल से कितने कनेक्टेड है, ये सारे इन पैरामीटर्स की वैल्यू जो है वो बी के द्वारा दी जाती है। यूजुअली स्विचिंग प्रोसेसर को ट्रैफिक लोड जो कि नॉमिनल लोड से 40% हायर होता है उसको हैंडल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। लेवल वन प्रोसेसिंग, लेवल वन के द्वारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंट्रोल फंक्शंस को हैंडल किया जाता है। एक्सचेंज के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का एडमिनिस्ट्रेशन करना लेवल वन प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है, जैसे कि ट्रांसलेशन टेबल में इंफॉर्मेशन को ऐड करना, डिलीट करना और मॉडिफाई करने का काम है वो लेवल वन प्रोसेसिंग के द्वारा किया जाता है। सब्सक्राइबर की क्लास ऑफ सर्विस को चेंज करने का काम लेवल वन प्रोसेसिंग में होता है। एक्सचेंज के ऑपरेशन को सुपरवाइज करना, ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करना, फॉल्ट एवं एरर को डिटेक्ट एवं ब्लॉकेट करना, प्रोग्राम को टेस्ट करना एवं डायग्नोस्टिक को रन करने का काम है वो लेवल वन प्रोसेसिंग में किया जाता है। लेवल वन के लिए लार्ज डिस्क या टैप स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है। कॉम्प्लेक्सिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉफ्टवेयर लेवल 2-3 की अपेक्षा हाईएस्ट होती है। लेवल वन प्रोसेसिंग जो है उसमें उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है और सॉफ्टवेयर लेवल का जो वॉल्यूम है वो लेवल 2 और 3 की अपेक्षा हाईएस्ट होता है। सिंगल ऑपरेशन और मेंटेनेंस कंप्यूटर को कई सारे एक्सचेंजेस को रिमोटली लोकेटेड होते हैं उनके बीच में शेयर किया जाता है। ऐसे एक्सचेंज में केवल लेवल 2 और 3 प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स होते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में लेवल 3 प्रोसेसिंग को बताया गया है कि कैसे कंसोल के द्वारा रिमोटली कनेक्टेड एक्सचेंज को कंट्रोल किया जाता है। रिमोटली कनेक्टेड जो एक्सचेंज होते हैं रिमोटली, वहाँ पर केवल लेवल 2 और 3 होता है।
लेवल वन जो है वो मेन एक्सचेंज के पास होता है, जहाँ पर ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि लेवल वन में कॉम्प्लेक्सिटी और सॉफ्टवेयर लेवल का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होने के कारण मेमोरी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस कंप्यूटर सेंटर में दिखाया गया है। दूसरा, इसके साथ ऑपरेटर, मेंटेनेंस पर्सनल जो कनेक्टेड होते हैं मेन एक्सचेंज में, और रिमोटली कंट्रोल करने के लिए एक्सचेंज वन, एक्सचेंज टू और इस प्रकार से फर्दर एक्सचेंज पी तक दिखाया है कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस कंप्यूटर है उसके द्वारा रिमोटली कनेक्टेड नंबर ऑफ एक्सचेंज को कंट्रोल किया जाता है। तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस कंप्यूटर है वो लेवल थ्री प्रोसेसिंग, लेवल वन प्रोसेसिंग में आता है, और एक्सचेंज वन, एक्सचेंज टू और नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर रिमोटली कनेक्टेड है तो एक्सचेंज वन और एक्सचेंज टू पर आपको लेवल टू और लेवल थ्री की प्रोसेसिंग मिलती है, और लेवल वन की प्रोसेसिंग है वो सेंट्रलाइज ऑपरेशन और मेंटेनेंस कंट्रोल के लिए प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू।